हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज का वीडियो है चेस गेम मेमोरी। तो चलिए देखते हैं ये गेम क्या है, किस तरीके का, क्योंकि ये गेम मैंने भी अभी तक नहीं देखा है, जस्ट अभी आपके सामने ही मैं देखने वाली हूँ। तो पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके बॉक्स पे क्या क्या मेंशन किया हुआ है। आपको यहाँ पे वुडन के छोटे छोटे पैक्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि वुडन का यहाँ पे आपको बेस मिलेगा, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि आपको एक फ्री गिफ्ट मिलेगा इनसाइड, ठीक है, इसके अंदर कुछ तो फ्री गिफ्ट है। तो चलिए गाइस, ज्यादा टाइम ना लेते हुए देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें रिसीव होती है, गेम किस तरीके का है। देखिए तो लग रहा है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी गेम होने वाला है, और जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है ब्रेन टीजर, तो देखते हैं उस तरह का ये गेम है भी या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं चेस गेम मेमोरी। ये है वो फ्री गिफ्ट, आई थिंक इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। 90s का आई थिंक ये गेम होगा कि दोनों उससे भी पहले का, अच्छा ये उससे भी पहले का गेम है, ठीक है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे गाइड करके बता रहे कि उससे भी पहले का। और ये थोड़ा सा टफ है, वो हमारे टाइम पे जाता थोड़ा सा वो इजी था। मेन हमारा ये गेम है मेमोरी। तो चलिए देखते हैं, पोर्टली ओपन करते हैं फाइनली। वाओ, ये मुझे वो लग रहा है अपना रोटी जो बेलते हैं, रोटी बेलने के लिए जो होता है उसका तख्ता, ये वो लग रहा है। काफी अच्छा है गाइस, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो यहाँ पे सर्कल है, इसके जो कटिंग्स है बहुत ज्यादा ही फिनिशिंग में है, काफी इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्वालिटी वॉज अमेजिंग। यहाँ पे आपको 6 कलर के छोटे छोटे यहाँ पे आपको वुडन के यहाँ पे आपको पैक्स मिल रहे हैं, ये सब वुडन है, तो क्वालिटी काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी है, और एकदम हल्का है, ज्यादा ये हेवी भी नहीं है, एकदम लाइट वेट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो यहाँ पे इसकी जो डाइस है वो भी वुडन की है। तो जितने भी आपको पैक्स दिख रहे हैं आपको उसको रैंडमली इस यहाँ पे आपको रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने जो कलरफुल जो 6 अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो कलर है वो पैक्स हम यहाँ पे डाल चुके हैं। उसके बाद में क्या करना है कि जो भी प्लेयर यहाँ पे खेल रहे, सपोज अभी मेरा टर्न है, तो मुझे यहाँ पे जो डाइस है उसको रोल करना है, और यहाँ पे आया है मेरा यहाँ पे कलर ब्लू, तो मुझे वो पैक निकालना है इसमें से कोई भी, और वो कलर अगर ब्लू होता है तो मुझे और एक चांस मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये उठाया तो ये है रेड, लेकिन रेड नहीं आना चाहिए, मुझे ब्लू को ढूंढना है। तो ये मेरा टर्न फिनिश हो गया, अभी वो प्लेयर की बारी है, वो प्लेयर को ब्लू आया है, वो प्लेयर का भी रेड आया है। तो इस तरह से आपको डाइस डालना है आपके टर्न में, ये ब्लू आ रहा है फिर से, तो मुझे व्हाइट मिला है, ब्लैक, ओ लवली। तो ये प्लेयर ने ब्लैक यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, ब्लैक ही डाइस आया था, अभी ये प्लेयर का फिर से टर्न मिलेगा इसको रोल डाइस करने के लिए ग्रीन, ठीक है मेरा टर्न है, अब मुझे ढूंढना है ब्लू। तो मुझे याद रखना है एक्चुअली जो मैंने पहले उठाई थी वो प्लेस पे, कि वहां पे कौन सा कलर था, मैं फिर से वही वाला पैक ना उठा लूं, तो मैं ये उठाती हूँ ब्लू। वो मुझे जैसे ये प्लेयर ने उठाया है और यहाँ पे ये व्हाइट है, मुझे याद रखना है कि ये वाले प्लेयर ने व्हाइट पैक उठा के यहाँ पे रखा था, तो अगर मुझे डाइस में अगर व्हाइट आता है तो मुझे ये उठाने के लिए इजी हो जाएगा। तो देखते हैं व्हाइट आता है या नहीं आता है, व्हाइट आ जाए, ओ लकीली व्हाइट आ गए। तो मुझे याद रखी, अगर मैंने याद रखी होती थी कि यहाँ पे व्हाइट पैक है तो ये मेरे लिए इजी हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा मुझे, और मेरे को फिर से टर्न मिलेगा डाइस रोल करने का ब्लू, अब मुझे ब्लू उठाना है। तो गाइज इसी तरह से ना गेम चलता जाएगा, हर एक प्लेयर को पैक उठाना है, उसको फिर से आ गया है, और गेम के एंड में जिस भी प्लेयर के पास में सबसे ज्यादा यहाँ पे वुडन के ब्लॉक्स होंगे, वुडन के पैक्स होंगे, वो ये गेम जीत जाएगा। गाइज हमें पता है कि दोनों जो कलर है वो दोनों रेड है, अब वो डाइस के ऊपर है कि जिसको आता है उसका लक है, अभी डाइस पे चलने वाला है कि रेड जिसको आएगा उसको चांस मिलेगा दूसरा, रेड 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 रेड, ओह शिट, ये डाइस पे मेरा लक नहीं चलता है, डाइस वाला गेम मुझे नहीं पसंद है। ओह तो गाइस यहाँ पे अभी गेम पूरा हो चुके हैं, अभी हम लोग अपने अपने जो यहाँ पे वुडन पैक से वो गिरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओह ये तो टाई हो चुका है, तो दोनों यहाँ पे विक्ट्री शेयर करेंगे।
तो गाइज ये काफी इंटरेस्टिंग गेम है, मेरे ख्याल से बच्चों के लिए ना काफी अच्छा रहेगा, जो 5 ईयर्स की जो 6 ईयर के बच्चे थे जो जस्ट कलर को आइडेंटिफाई करते हैं उनकी मेमोरी स्ट्रांग करने के लिए। मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा ये गेम, तो आया हो आपको भी समझ में आया हो, आपको वीडियो भी बहुत अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगता तो गेम अच्छा लगता तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग गेम अपकमिंग है, और अगर आप इसे परचेज करना चाहते तो इसका जो लिंक है अमेजोन लिंक वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पे जाके इस गेम को परचेज कर सकते हो। ठीक है, ये अगर गेम के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है क्वेरी तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे जो हमारे गेम्स के अपडेट होते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कमेंट करके बताइए कौन है इसका एक्सपर्ट जो बचपन में खेला है इसे, और दोनों के दोनों जो यहाँ पे मेटल बॉल्स है वो पूरी तरह से सेंटर पे पहुंचा चुका है। गाइस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि फ्री गिफ्ट इनसाइड, तो जरूरी नहीं है कि आपको हर बॉक्स में यही वाला गेम फ्री में आएगा, आपको कुछ भी आ सकता है ऐसे छोटे छोटे स्मॉल गेम किड्स के लिए। सच में फाइनली उसी के बाद